उदाहरण तीन, एम एन गुणा तीन बराबर एल एम एन, जहाँ एल एम एन एक तीन अंकों की संख्या है। हल, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यहाँ प्रश्न है एम एन गुणा तीन बराबर एल एम एन, जहाँ एल एम एन तीन अंकों की संख्या है। अब एन कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें तीन का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती हो, और यह अंक दो ही अंक मिलता है हमें, एन बराबर शून्य या एन बराबर पाँच। अगर आप एन बराबर एक लेते हैं तो तीन से गुणा करने पर इकाई में अंक तीन मिलेगा, जबकि प्रश्न में हमें इकाई में अंक एक ही मिलना चाहिए। इसी तरह से आप अन्य सभी अंकों के साथ भी गुणा करके देख सकते हैं। तो शून्य से लेकर के नौ अंकों के बीच में केवल आपको दो अंक मिलेंगे ऐसे, शून्य और पाँच, जिनमें तीन का गुणा करने पर वही अंक पुनः प्राप्त होते हैं। अब संख्या एम एन को हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, एम एन बराबर 10m धन n। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या है, mn को तीन से गुणा करना है, इसलिए mn गुणा तीन बराबर कोष्ठक में 10m धन n गुणा तीन, या हम इसको लिख सकते हैं 30m धन तीन एन। और हमारा एम एन से तीन का गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह एल एम एन है, इसे भी हम विस्तारित रूप में लिखते हैं, एल एम एन बराबर 100L धन 10M धन एन। चूँकि एम एन को तीन से गुणा करने पर एल एम एन प्राप्त होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 30m धन 3n बराबर 100L धन 10m धन n। अब n के हमारे पास दो मान हैं, n बराबर शून्य या n बराबर पाँच। यदि हम n बराबर पाँच लें तो तीस एम धन, n की जगह पाँच लेंगे तो तीन पंचे पंद्रह बराबर 100L धन 10m धन 5, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 30m ऋण 10m, ये 10 इधर पक्षांतर करके ले आए, बराबर 100L धन 5 धन 15 इस तरफ आके हो गया ऋण 15। तो ये हमें मिला 20m बराबर 100L ऋण 10, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m बराबर 100L ऋण 10 बटे 20, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं m बराबर 10L ऋण 1 बटे 20, 10 एकम 10, 10 दुनी 20। तो हम इस तरह से प्राप्त करते हैं 10L ऋण 1 बटे 2। अब इस पर ध्यान दीजिए, चूँकि L का मान 0 से 9 के बीच का कोई भी अंक हो सकता है, इसलिए जब भी हम कोई अंक लेते हैं दोनों के बीच का तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है।
उदाहरण के लिए हम एल बराबर शून्य लें तो एम बराबर मिलता है शून्य ऋण एक बटे दो या ऋण एक बटे दो। इसी तरह से एक लेंगे तो हमें संख्या मिलेगी नौ बटे दो, और इसी तरह से और आगे हम ये देखते हैं कि शून्य से नौ तक एल के किसी भी मान के लिए एम का उचित मान संभव नहीं है, अतः एन बराबर पाँच संभव नहीं है। अब हम एन के दूसरे मान एन बराबर शून्य पर विचार करते हैं। हमने शुरू में लिखा था 30m धन 3n बराबर 100l धन 10m धन n। यहाँ पर n बराबर शून्य रखने पर हमें मिलता है 30m बराबर 100l धन 10m। क्योंकि n का मान शून्य है इसलिए 30m धन 3 गुणा शून्य बराबर शून्य होगा, इसलिए हमने 30m लिखा है यहाँ पे। और इसी तरह से शून्य n की जगह में शून्य रखेंगे, शून्य किसी भी संख्या से जोड़ने पर फिर से वही संख्या हमें मिलती है, इसलिए 100l धन 10m धन शून्य बराबर 100l धन 10m। इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं 30m ऋण 10m बराबर 100l या 20m बराबर 100l। तो m बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होता है 100l बटे 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो m बराबर हमें मिलता है यहाँ से 5l। m बराबर 5l, चूँकि m l के मान शून्य से 9 तक ही हो सकते हैं इसलिए l के केवल दो मान संभव हैं, l बराबर शून्य और 1। क्योंकि m बराबर 5l है इसलिए अगर हम l बराबर 2 लेते हैं तो 5 गुणा 2 यानी हमें 10 मिलता है, जो दो अंकों की संख्या है। इसी तरह से 3, 4 से लेकर 9 तक के अंक लेने पर हमें संख्याएं दो अंकों की मिलेंगी। अतः l का मान हमें प्राप्त होता है 0 और 1। लेकिन जब हम l का मान शून्य l बराबर शून्य लेते हैं तब चूंकि m बराबर 5l है इसलिए m बराबर भी हमें शून्य मिलता है। ऐसी स्थिति में संख्या l m n भी हमें ऐसी मिलती है जिसके तीनों अंक शून्य हो जाते हैं, अतः यह संभव नहीं है, इसलिए l बराबर 1 होगा और l बराबर 1 लेने पर m बराबर 5 गुणा 1 यानी 5। अतः हमारा मूल प्रश्न होगा 50 गुणा 3 बराबर 150। करके देखें, 1 एक बी गुणा बी बराबर 96 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। 2 73m भागित 8 बराबर 9n में m तथा n का मान ज्ञात कीजिए।